नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। रविवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सुगौली प्रखंड के सुगांव पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रविवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सुगौली प्रखंड के सुगांव पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उक्त आयोजन में जिला अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बेटी को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। एक बेटी शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है, और एक परिवार शिक्षित होता है तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के विकास के लिए है। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नुक्कड़ नाटक की भी दी गई प्रस्तुति। उनको खोल लो, पानी दो, पानी दो, यहाँ भी लगाइए, तू लगा इसको, फोटो आएगा लगा। बेटी जो है उसका शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक बेटी शिक्षित होने से एक परिवार शिक्षित होता है, और एक परिवार से एक राष्ट्र अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। और आप आज देख रहे हैं कि बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, वो लोकतंत्र हो, प्रशासनिक सेवा हो, आर्म फोर्सेस हो, पुलिस हो, अभी तो राफेल उड़ान भी जो है एक महिला पायलट उड़ाने जा रही है, बहुत सारे खिलाड़ियां महिला रिकॉर्ड्स कर रही है। तो यही है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है समाज के विकास में। तो महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं है, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं है, उनको प्रेरित करना है। उसके साथ साथ जो है व्यवहार परिवर्तन और जो साइकोलॉजी है कि महिलाओं के प्रति बच्चियों के प्रति जो है अच्छी तरीके से डेवलप करना, ताकि जो है उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसी के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। पूरा